hello, let's read the given question. the question says a car is moving horizontally along a straight line with a uniform velocity of 25 meter per second. a projectile is to be fired from this car in such a way that it will return to it after it has moved 100 meter. the speed of the projection must be option 1 given, 10 meter per second, option 2, 20 meter per second, option 3, 15 meter per second, option 4, 25 meter per second. so is question, jo key concept uh, we will be using? is the concept of projectile motion on a moving frame? एंड टू बी प्रोसाइज हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन मूविंग फ्रेम सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज अकॉर्डिंगली बी नीड टू रिमेम्बर के लेट सपोज हम केस को कंसिडर कर लेते हैं अलोंग विदेशन इट्स लेट सपोज हमारे पास एक कार है एंड इस कार पे से हमें प्रोजेक्शन करना है इस तरीके से uh, जो पार्टिकल uh, है राइट right, वो पार्टिकल वापस से इसी कार पर गिर जाए और कार की स्पीड हमें गिवन है ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड सो हमें पता है कि ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड वो पार्टिकल की जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसकी स्पीड भी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड होगी अलॉन्ग दॉजोंटल राइट वो भी अलॉन्ग हॉरिजोंटल चल रहा होगा क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम मूविंग uh, फ्रेम से कुछ चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो फ्रेम की वेलोसिटी होती है वो उसमें एड ऑन हो जाती है सो so, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से अगर हम इसको पार्टिकल uh, को इंक्लाइंड वे में अगर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं सो इनक्लाइंड वे में अगर हम देखें सो तो इसके पास एक वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल आ जाएगी और एक वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल आ जाएगी तो इससे क्या होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वी विल से के जो पार्टिकल है उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट साइड वेलोसिटी बढ़ जाएगी एंड वी कैन से के जो पार्टिकल है वो इस फ्रेम पे या फिर इस कार पे वापस से नहीं गिर पाएगा ठीक है अगर हम उसको बैकवर्ड देंगे तो बैकवर्ड वेलोसिटी कम हो जाएगी अगेन इट विल नॉट बी एबल टू फॉलो ऑन द वहीकल या फिर ये जो कार है तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज बचती है कि हम इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें सो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें से विद वेलोसिटी यू ठीक है या फिर इसको हम कह देते हैं यू वाई दट इज वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन अब क्या होगा इसके पास हम देख सकते हैं इसके पास वर्टिकल में भी वेलोसिटी आ गई हॉरिजॉन्टल में भी आ गई सो ये कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करते हुए जाएगा एंड ये अगेन वी कैन से के कार के ऊपर जाके गिर जाएगा ठीक है एंड ये हमें कुछ डिस्टेंस गिवन है the, uh, it it कि अ प्रोजेक्टाइल इज टू बी फायर फ्रॉम द दिस कार इन सच अ वे दैट इट विल रिटर्न टू इट आफ्टर इट हेज मूव हंड्रेड मीटर यानी कि हंड्रेड मीटर बाद वो कहाँ पे गिर जाए वापस कार पे गिर जाए सो दिस आई होप ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी ठीक है सो फ्रॉम ये वीकेंड से सबसे पहले तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होगा लेट से पॉइंट ए से बी पर पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे सो इट विल बी जस्ट वॉट इट विल बी टू यू वाई बाय जी ठीक है ना अब टाइम ऑफ फ्लाइट वी कैन कैलकुलेट टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास स्पीड भी है डिस्टेंस भी है सो इट विल बी जस्ट डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज दिस एंड दिस कैन बी डन एज टू यू वाई अपॉन जी सो यहाँ से सिंपली यू वाई की वैल्यू हम देख सकते हैं कि यू आई की वैल्यू जी को हम ले लेते हैं टेन सो फ्रॉम योर कैन से यू आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास फोर इंटू टेन डिवाइडेड बाई टू एंड दैट कम्स आउट टू बी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ठीक है सो दिस विल बी द Uh, velocity with which we should project the particle so that it will fall on the uh, vehicle or the car itself. So, option 2 is our correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.